Hello everyone, today we will discuss the exercise 1.2 of class 8 and question number 5 of this exercise. According to this question, find 5 rational number between, हम आज इसका third part discuss कर रहे हैं, two part, first and second part में already अपने previous video में आपको explain कर चुकी हूँ, okay? So third part is 1 by 4 and 1 by 2 के बीच में हमें 5 rational number find out करने हैं. तो हमारा first step क्या होगा, हमें इनके denominator को same करना है. उसके लिए हम अगर इसका LCM लेते हैं, sorry, I have to change my chalk. LCM देते हैं तो वो क्या आता है हमारा 4 आता है. तो इसमें हमारा ऑलरेडी डिनोमेटर 4 है, ओके. सो 1 बाई 2 में अगर मुझे डिनोमेटर हमें 4 करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. तो हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाई 4. सो अब हमारे पास कौन से नंबर है, 1 बाई 4 एंड 2 बाई 4. लेकिन 1 बाई 4 एंड 2 बाई 4 के बीच में हम रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो हमें इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने होंगे. उसके लिए सबसे ईजीस्ट वे क्या होता है, हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर लें. तो ये क्या हो जाएगा, 10/40, और ये क्या हो जाएगा, 20/40. नाउ वी कैन ईजिली राइट डाउन द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, लाइक 11/40, 12/40, 13/40, 15/40, 19/40. ओके, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर.